तो दोस्तों, जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, वैसे ये पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। इसके एक पॉइंट को अभी भी रहने दिया गया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और इससे अब जम्मू कश्मीर के हालात यकीनन बदलने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा जम्मू कश्मीर के दो भाग, लद्दाख मतलब अक्साई चीन और POK, जिन पर चाइना और पाकिस्तान ने कब्जा बना रखा है, उनको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि भारत अब उन्हें वापस कब लेगा और कैसे लेगा। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो का टॉपिक यही है कि POK और अक्साई चीन को वापस लेने का रास्ता भारत के लिए कैसा होने वाला है, क्या ये मुमकिन भी है। POK और अक्साई चीन पर अलग से डिटेल्ड वीडियो चैनल पर मौजूद हैं और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर उन्हें देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। पहले बात अक्साई चीन की करते हैं। अक्साई चीन लगभग 15,000 स्क्वायर मील में फैला एक बिल्कुल पहाड़ी और बंजर इलाका है, जिस पर चाइना ने 1962 से कब्जा बनाकर रखा है। इसे वापस लेने की कोशिश मतलब सीधा चाइना से टक्कर। चाइना, जो कि तमाम छोटे बड़े देशों को कब्जा कर बैठा है, भले ही वो तिब्बत हो या हांगकांग या फिर ताइवान, इतनी आसानी से क्या वो भारत को अक्साई चीन सौंप देगा? मतलब साफ है कि भारत को चीन के साथ एक फुल स्केल वॉर या फिर एक न्यूक्लियर वॉर में जाना होगा, जो कि दोनों ही देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होगा। दोस्तों, चाइना तो फिर भी जल्द ही दोबारा खड़ा हो जाएगा, जब तक भारत में इस पर राजनीति चल रही होगी। UN से खासी मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि चाइना UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है और उसके पास वीटो पावर भी है। डिफेंस में भी भारत से 3 गुना ज़्यादा आगे है। ऐसे में चाइना जैसे देश से अक्साई चीन लड़कर लेना तो कोई रास्ता नहीं हो सकता। हाँ, इंटरनेशनल फोरम्स पर बार बार इस बात को रखकर अक्साई चीन के मुद्दे को गरमाने से फ्यूचर में भारत को शायद कुछ फ़ायदा मिल सके। 750 मिलियन एकड़ की उपजाऊ जमीन को छोड़कर, इकोनॉमी को छोड़कर 15,000 स्क्वायर मील के अक्साई चीन के लिए लड़ना और अपना नुकसान कराना कहाँ की समझदारी है, ज़रा सोचिए। POK को तो एक बार पाकिस्तान को हरा कर ले भी लें, लेकिन उस जमीन के साथ आएंगे POK के लोग, जो कि देश के साथ कभी नहीं आने वाले और इसके उलट भारत को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इतना सब फिर से एक इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद होगा। जम्मू कश्मीर का अभी भी 90% काम लायक जमीन भारत के पास है, और इन बंजर इलाकों के लिए लड़कर अपनी इकोनॉमी और डेवलपमेंट को ख़राब करना कहां तक जायज़ है। दोस्तों, धरती का जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के दो भागों को हमें खोए हुए 60 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, और इसको लेकर रोना भी अब बहुत सही नहीं है, बजाय कि हम अपने डेवलपमेंट पर ध्यान दें। तो दोस्तों, बस यही बातें आपको बतानी थी। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ।